हेलो गाइस, सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी अहोयस टू मी। तो गाइस कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। गाइस आज अहोई अष्टमी का व्रत है। आधे से ज़्यादा लोग तो जानते भी होंगे कि जो ये व्रत है वो सभी जो माँ होती हैं वो अपने बच्चों के लिए रखती हैं। तो मैंने भी आज अपनी सिया के लिए व्रत रखा है। बाकी मैं कैसी लग रही हूँ? मैं रेडी होकर अभी, पूरी फोटो तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, मैं से रेडी हुई हूँ और मैं जल्दी ये ब्लॉग डाल दूंगी। लास्ट वीडियो में मैंने किसी ने कमेंट किया है कि मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ वीडियो बनाने में, वीडियो डालने में। वीडियो तो टाइम से बन जाती है, बस डालने में थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये वीडियो जल्दी डाल दूँ। और जिस तरीके से आप सब ने मेरी बाकी शॉर्ट्स पर अपना प्यार दिया है, तो उसी तरह आप मेरी लॉन्ग वीडियोस पर भी अपना प्यार दें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ और और हमारे यहाँ किस तरह से पूजा होती है, किस तरह हम सेलिब्रेट करते हैं, वो सब मैं वीडियो के ज़रिए आप सबको दिखाती हूँ। तो रेडी रहिएगा और अंत तक मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको पूरा दिखाई देगा कि मैंने जो अहोई अष्टमी का व्रत है वो किस तरीके से किया है, कैसे हमने कथा सुनी। तो चलिए गाइस, मैं आपको ले चलती हूँ दूसरे घर जहाँ पर हम कथा सुनने वाले हैं। अरे वाह, ये क्या बात हो गई, कितना अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक मिल गया यहाँ पर बात करने के लिए। आज अहोई अष्टमी है और अहोई अष्टमी पर एक माँ अपने बच्चे के बारे में बात ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? हमने बहुत सारे बातें की, मतलब सभी ने अपने बच्चों के बारे में बताया कि उनके बच्चे बचपन में किस तरह से रहे हैं। काफ़ी बच्चे शैतान रहे हैं जिन्होंने बहुत शैतानी की है अपने बचपने में, और काफ़ी बच्चे हैं जो काफ़ी मासूमियत तरीके से रहे होंगे। और मेरी सिया का तो क्या बताऊँ, मतलब सिया तो छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है, उसकी शैतानियाँ बाप रे परेशान कर देती है। लेकिन यही एक टाइम है जो हम अपने बच्चे की हरकतें नोटिस करते हैं, और इसी तरह जैसे आज ये टॉपिक हुआ है बात करने का, तो हम भी आगे चल के इसी तरह अपने बच्चों के बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था बात करने के लिए। जब तक और लोग नहीं आए तब तक हमने इस टॉपिक पर बात की, बहुत अच्छा लगा, सभी ने आपस में बैठकर अपने अपने बच्चों के बारे में बताया। तो चलिए, हमारे जो और जो लोग आने वाले थे वो आ चुके हैं, तो हमने इनका भी वेलकम किया और इनको जल्दी से कलावा बांधा, और उनके लोटे पर भी जो जल का लोटा था उस पर भी कलावा बांध कर उनको वेलकम किया। तो गाइस आप सब देख सकते हैं, अब यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत शुरू हो गई है। देख लीजिए आप सब, हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, किस तरीके से हमारे यहाँ पर कहानी सुनाई जाती है। इस तरह से सब बैठ जाते हैं सर्कल में, और बीच में जो वो हरे सूट में जो आंटी बैठी हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, और उन सब ने हमें कहानी सुनाई थी। तो उस कहानी सुनने से पहले सभी को चावल और दूब होती है जो घास टाइप की होती है, ऐसे एक चावल और दूब में हल्दी मिलाकर जितनी भी यहाँ पर लेडीज़ बैठी हुई थी सबको मतलब चावल और दूध दिया और कहानी शुरू कर दी। बस फिर हम कहानी सुनने के बाद सूर्य देवता को जल देने के लिए गए।
वापस आने के बाद हमने अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया। यहाँ पर बच्चों के साथ थोड़ा सा बचपना हमने भी किया। आई थिंक सबको ये गेम याद होगा। तो गाइस आज के लिए मेरा ब्लॉग इतना ही है बस। अभी आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।